और खबर अब है उज्जैन से, जहां आरएसएस पर की गई टिप्पणी पर कुमार विश्वास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यालय में काम करने वाले बच्चों को अनपढ़ कहा। तो कुमार विश्वास का ये बयान सामने आया है। मामले पर उन्होंने सफाई दी और कहा है कि मेरे कार्यालय में काम करने वाले बच्चों को अनपढ़ कहा। आरएसएस को अनपढ़ बोलने पर कुमार विश्वास ने सफाई दी है और वीडियो जारी कर माफी मांगी है। क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद, आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय मैं राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। तो कुमार विश्वास ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है, लेकिन क्या कुछ वो बयान था वो भी आपको सुनवाते हैं। संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है के वामपंथी तो कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है वो कुपढ़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, आरएसएस को पहले अनपढ़ बोला गया, पहले एक बयान दिया कवि कुमार विश्वास ने और उसके बाद अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, वीडियो जारी कर सफाई पेश की है। देखिए बहुत बड़ा विषय ये बन चुका है और यही वजह है कि कुमार विश्वास जी को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने ये बात मानी है कि उन्होंने ये टिप्पणी की है जी। लेकिन अब वो यहाँ ये स्पष्टीकरण देते नजर आए हैं कि ये टिप्पणी उन्होंने अपने कार्यालय में काम करने वाले एक युवा, जो 20-25 वर्ष का युवक है, उसके संदर्भ में की है सिर्फ, और वो उसको किसी संगठन से यानी आरएसएस से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए जी। लेकिन जैसा हमने बयान उनका जो पिछला राम कथा के दौरान डायस से जो उन्होंने बात कही है वो भी आपने और हमने सुनी है जी। उसमें ये बात बहुत स्पष्ट है कि एक तो वो तुलना कर रहे हैं कि वामपंथी जो हैं, लेफ्ट पार्टीज जो हैं, वो कुपढ़ हैं और ये वाले शब्द है ये वाले। अब ये शब्द निकल गया, हम भी सब समझते हैं कि कई बार आप एक कथा की मनोदशा में थे, आपके मुंह से ये बात निकल गई, लेकिन ये उन्होंने एक सकारात्मक संदर्भ के साथ सामने आकर कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कथा के दौरान मैंने ये मेरे संदर्भ को गलत समझा गया और इसको किसी भी गलत संदर्भ में ना देखे, क्योंकि शायद विरोध का स्तर इतना बढ़ गया है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो कथा में विघ्न डालेंगे जी। उसका भी उल्लेख करते कुमार विश्वास नजर आए हैं। तो चूंकि विषय बड़ा हो गया, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आयोजक जो है वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव जी माने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुमार विश्वास जी से आग्रह किया गया होगा और ये दबाव भी उन पर होगा कि वो अपने कथन से पीछे हटे जी। लेकिन अब ये बात जी, ये तीर निकल चुका है ऋतु कमान से, अब जितना इसमें डैमेज होना था हो गया, लेकिन कुमार जी का जेस्चर बहुत अच्छा है,
और उन्होंने इसको समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया। बिल्कुल शरद जी, और साथ ही क्योंकि बीजेपी में भी जमकर रोष देखा जा रहा था उस बयान को लेकर, और ऐसे में उन्होंने अब सफाई दी है। शुक्रिया शरद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कवि कुमार विश्वास ने बड़ा बयान दिया, जिस बयान को लेकर बीजेपी में रोष भी देखा गया। बीजेपी प्रवक्ता ने भी उन पर निशाना साधा और उसके बाद अब वीडियो जारी कर कवि कुमार विश्वास ने माफी मांगी है।